अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं ये KCR 1UP है। यहाँ तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि 151UP और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जो कि कुछ KCR के रैक हैं और कुछ एक्सप्रेस ट्रेन के रैक हैं। तो ये कराची से मीरपुर खास जाएगी, पहले इधर भेजी जाती थी, अभी मीरपुर खास जाएगी। इसका जो है स्टॉप वो बढ़ा दिए गए हैं। तो ये दोस्तों ईद के दौरान कुछ इसके स्टॉप बढ़ाए गए हैं, अभी तो शायद नॉर्मल हो गई हो। ये ईद के दौरान की वीडियो है जो कि मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:15 है, तो 7:15 में कराची कैंट पे आई है। तो दोस्तों आज का सफ़र है हमारा कराची कैंट से लेकर लांडी जंक्शन तक का, तो आप ज़रूर वीडियो एंजॉय कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। आज दोस्तों इसकी लेड पे लगा हुआ है वो है कराची शेड का HGMU 30R 8202, जो के कुछ KCR के डब्बों को लेके जा रहा है और कुछ जो है शाह लतीफ़ के डब्बों को लेके जा रहा है। मतलब ये कुछ KCR के रैक्स हैं और कुछ एक्सप्रेस ट्रेन के रैक हैं। तो दोस्तों आप डिपार्चर एंजॉय करें, तो आगे चल के बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा प्लान तो यही था कि मीरपुर खास तक जाएंगे, कराची कैंट से मीरपुर खास तक, जो कि किसी वजह से हम नहीं जा सके। इस जर्नी में मैं और मेरा दोस्त अनिल था, तो जो हम जा रहे थे कराची कैंट से लेकर मीरपुर खास तक, तो जो कि किसी वजह से हम नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में हम ज़रूर इस जर्नी को कवर करेंगे। तो चलें आप वीडियो एंजॉय करें, तो आगे चल के बात करते हैं।
दोस्तों इसके स्टॉप बताना चलूँ, जैसे शालकीफ एक्सप्रेस के जो स्टॉप थे इसके भी सेम वो स्टॉप थे जो कि इसने किया कराची कैंट से निकलने के बाद डिगरोड जंक्शन और लांडी जंक्शन, और फिर ये शायद धाबे जी रुकी हो के नहीं ये मालूम नहीं। बाकी जो शालतीफ ट्रेन के वो स्टॉप थे इसके भी सेम वो स्टॉप थे। स्टेशन है, स्टेशन है। रोशनी जैसी आती तब बनाया था, रोशनी जैसी आ रही ना पौधों के ऊपर तो बहुत अट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, अभी हम कुछ ही देर में जो है अराइवल करने वाले हैं डिग रोड जंक्शन पे, तो वो ज़रूर देखें आप इसका अराइवल। ये काफ़ी अच्छी स्पीड से लेके जा रहे हैं। Thank you.
तो ये अभी इंटर हो रहे हैं आप डिगरोड जंक्शन में। तो ये अराइवल देख सकते हैं आप। यहाँ सिर्फ 2 मिनट स्टॉप करने के बाद ये वापस आगे के लिए रवाना होगी। तो ये अभी डिपार्चर ये डिपार्चर हो चुका है। मेरा फ़ोन जो है वो हो गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी उसकी, जिसकी वजह से जो है डिपार्चर पूरा कैप्चर नहीं कर पाया जब स्टेशन से निकली ट्रेन। तो चलें अभी कुछ ही देर में हम जो है मलीर ब्रिज से क्रॉस होंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। नींद आ रही है। Thank you.
तो दोस्तों ये एंटर हो रही है मलिया स्टेशन पे। इसका वैसे स्टॉप तो नहीं है यहाँ पे, मगर कोई सिग्नल की इशू की वजह से जो है ये स्टॉप हुआ है यहाँ पे। क्यों? तो ये 2 मिनट के बाद फिर से डिपार्चर किया, फिर ये आगे के लिए रवाना हो रही है। तो दोस्तों अभी ये अमलीर ब्रिज को क्रॉस कर रही है, इसके बाद जो है लंडी जंक्शन पे अराइवल करेगी। तो ये अब ट्रैक सॉन्ग कहाँ सुनिएगा।
ये अभी एंटर हो रही है लाड़े जंक्शन पे। यहाँ पे इसने 7 मिनट का स्टॉप किया, उसके बाद जो है ये आगे के लिए रवाना हुई। तो ये काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसका। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।